गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल कितने टाइप का होते हैं और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो स्पाइरल अगर देखिए, अगर कोई सा भी लाइन है, जैसे सपोज कीजिए कि ये लाइन है, ये एज ए लाइन है, इसके कितने इंच होते हैं? दो इंच होते हैं किसी भी लाइन्स के। तो अपने ये किसी एक इंड के अबाउट, सपोज कीजिए ये इंड है, इसके अबाउट किसी प्लेन में, ये कहीं पर प्लेन में ही रखा हुआ है, किसी प्लेन में कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म रूप से ध्यान रखने का, ये जो लाइन को रोटेट करना है यूनिफॉर्म रूप से, अगर ये यूनिफॉर्म रूप से रोटेट करेगा तो क्या बनेगा, ये एक सर्कल बनेगा। बिकॉज ऐसे भी पॉइंट फिक्स्ड है तो ये किसी एक रेडियस हुआ, ये रोटेट करेगा तो एक सर्कल ही बनेगा। हमने ड्रॉ थोड़ा सा पूरे अच्छे से नहीं हुआ है, चलिए एक सर्कल बनेगा। ठीक, जिस समय ये लाइन रोटेट कर रहा है, उसी समय इस लाइन पे, समझिए ये लाइन है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ये लाइन, उसी समय यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट इस लाइन के लॉन्ग ऐसे कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। देखिए ये रोटेट कर रहा है, अब पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है और ये देखिए ये रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट अब यहाँ है, देखिए धीरे धीरे ये पॉइंट ऐसे भी जा रहा है। तो इस पॉइंट को जब हम ट्रेस करेंगे, जो ये पॉइंट है, इस पर जो ये पॉइंट है, ये इस ढंग से मूव कर, पॉइंट भी इस ढंग से, तो देखिए पॉइंट का मूवमेंट कैसा होगा, पॉइंट का पाथ कैसा, अगर ट्रेस करेंगे कैसा मिलेगा हमको, इस टाइप से मिलेगा, रेड कलर वाला किए हैं वो पॉइंट का है। तो हमको ये जो शेप जनरेट होता है इसी को बोलते हैं स्पाइरल। देखिए तो यही डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है, इफ ए लाइन, अगर कोई लाइन है रोटेट्स अबाउट इट्स वन इंड, ये इंड है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है इन ए प्लेन यूनिफॉर्मली, ये जो लाइन को रोटेट करना है यूनिफॉर्मली, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ए पॉइंट, सेम टाइम उसी समय पे इस पर एक पॉइंट है, मूव्स अलॉन्ग द लाइन, इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन। देखिए ये वन डायरेक्शन वाली बात, ये भी ध्यान देने वाले हैं कि ऐसे ही ओनली एक ही डायरेक्शन में इसको मूव करना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा देर इधर मूव किया फिर इधर मूव करने लगे, ठीक है। देन द कर्व ऑब्टेन बाय ट्रेसिंग ऑफ मूवमेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट है मूवमेंट पॉइंट, इसका जो ट्रेस करने के बाद जो हमारे कर्व जनरेट होता है उसको बोलते हैं स्पाइरल। देखिए ये स्पाइरल टाइप का दिख रहा है ना, ये रेड कलर से जो है इसी को बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है। तो स्पाइरल का डेफिनेशन आप समझ गए। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जिसके अबाउट ये जो लाइन रोटेट करता है उसको बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, ठीक। लिख लीजिएगा आप ध्यान से, या वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिए कुछ बातें, या ऐसे हम अभी लिख देंगे यहाँ पे। रेडियस वेक्टर क्या होता है? रेडियस वेक्टर जिसे ये कर्व हम जनरेट किए, ये जो कर्व आ रहा है स्पाइरल, ठीक है। तो ये स्पाइरल से यहाँ पे ये लाइन अभी यहाँ है, अगर ये लाइन भी तो रोटेट कर रहा है, थोड़ा देर के बाद ये लाइन यहाँ होगा, थोड़ा देर के बाद ये लाइन यहाँ होगा, फिर ऐसी डैंक्स लाइन होगा यहाँ। तो ये सपोज कीजिए कोई सा भी लाइन है, लीजिए हम इस लाइन का एग्जांपल ले लिए, इस लाइन पे सपोज कीजिए कि ये पॉइंट कहीं यहाँ भी है, कहीं से भी, अगर यहाँ की बात करें, ये यहाँ की बात करें, तो इसका मतलब हम सब पे हम नाम देना पड़ेगा ना, P1 P2 जो भी नाम देना पड़ेगा। तो रेडियस वेक्टर वो होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द, ये जो लाइन अलोंग द लाइन किसी भी पॉइंट पे, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ए पॉइंट ऑन द लाइन, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, पोल क्या होता है, रेडियस वेक्टर क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है। अब स्पाइरल कितने टाइप का होता है? तो स्पाइरल दो टाइप का होता है। वो कैसे क्लासिफाई किया गया है या कैसे पता चलता है? बिकॉज देखिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा तो पॉइंट मूव्स अलोंग द लाइन कंटिन्यूअसली, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस लाइन के लॉन्ग कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, लेकिन अब ये जो पॉइंट है इस पे कंटिन्यूअसली मूव तो कर रहा है, लेकिन मूव यूनिफॉर्म रूप से कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म रूप से कर रहा है, उसके बेसिस पे ये जो स्पाइरल दो टाइप का होता है, एक आर्कमीडियन स्पाइरल और एक होता है लॉगरिथमिक स्पाइरल। हम अभी लिख देते हैं डेफिनेशन, कब लॉगरिथमिक कहेंगे, कब आर्कमीडियन कहेंगे, जब मूवमेंट ऑफ द पॉइंट
मूवमेंट इस पॉइंट का मूवमेंट इस पर कंटिन्यूअस रूप से होगा इस लाइन के लॉन्ग कंटिन्यूअस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, कंटिन्यूअस तो होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब होगा तब उसको बोलते हैं आर्कमिडियन स्पायरल। जब यही पॉइंट इस लाइन के अलॉन्ग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तब उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक स्पायरल। ठीक, हम यही बातें यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके ये बातें यहाँ पे लिख लीजिए। फिगर बनाना होगा, फिगर भी ये वाला बना लीजिएगा, जरा रफ स्केच हम अभी मिटा देंगे अभी थोड़ा देर में इसको। चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सारे चीज़ का डेफिनेशन लिख दिए हैं, जैसे पोल के बारे में आपको बता रहे थे, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है या फिक्स्ड एंड जिसके अबाउट ये लाइन रोटेट करता है उसको पोल कहते हैं। द एंड पॉइंट अबाउट विच द लाइन रोटेट्स इज नोन एज पोल। रेडियस वेक्टर क्या होता है, ये जो कर्व है इस कर्व का किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले ले वहाँ से इस पोल का भी दूरी, इस कर्व पे कोई सा भी पॉइंट हो, द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, ये कर्व है, ये कर्व जो है इसके किसी भी पॉइंट और पोल के बीच का जो दूरी होता है उसको रेडियस वेक्टर एट दैट पॉइंट बोलते हैं। एक्चुअली उसमें हम सर इससे पहले सर बता रहे थे कि ये यहाँ पे पॉइंट बता दिए थे, पॉइंट यहाँ नहीं, ये इस कर्व के अलोंग ही होना चाहिए, इस कर्व के अलोंग ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा पहले वो थोड़ा दूर कर लीजिए। ये जो पॉइंट है जो ये कर्व पे होना चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, जो सभी पॉइंट है, तो इस पॉइंट से यहाँ तक के बीच का दूरी को बोलेंगे इसका रेडियस वेक्टर, इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर। ठीक, समझ में आ गया। एक होता है वेक्टोरियल एंगल। जो वेक्टोरियल एंगल क्या होता है, अगर कोई लाइन है यहाँ पे, जैसे ये हम कन्वर्ट किए थे, अगर ये लाइन का जो भी इनिशियल पोजीशन रहा होगा, सपोज ये यहाँ रहा होगा, यहाँ से अगर वेक्टोरियल हम ये वाला वेक्टोरियल ये रेडियस वेक्टर ले रहे हैं, तो यहाँ इनिशियल से यहाँ तक के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, अगर सपोज कीजिए हम इस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ से इस रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे इस रेडियस वेक्टर का, ये वाला जो कोई भी रेडियस वेक्टर होगा ओ पी सेवन या जो भी नाम हो उसके बीच का एंगल वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स था, उसके बाद हम बताए थे आपको कि स्पायरल दो टाइप का होता है, एक आर्कमिडियन स्पायरल, एक लॉगरिथमिक स्पायरल। स्पायरल दो टाइप का होता है, जब जो पॉइंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसको बोलते हैं आर्कमिडियन, जब पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है इस लाइन के लॉन्ग तब उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक स्पायरल। देखिए यहाँ पे आप दो चीज़ जो पढ़े हैं, रेडियस वेक्टर, ये लॉगरिथमिक स्पायरल में जो रेडियस वेक्टर होता है, रेडियस वेक्टर इन लॉगरिथमिक स्पायरल में इन जीपी में होता है। ठीक है, और जो एक वेक्टोरियल एंगल पढ़े हैं वो किस में होता है, एपी में होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दिए हैं, रेडियस वेक्टर किस में होता है, जीपी में। आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए, पता नहीं इधर कहीं नहीं दिख रहा होगा, जीपी में होता है ये। ठीक है, यहाँ पे लिख, वीडियो पॉज करके आराम से आप लोग लिख लीजिए, रेडियस वेक्टर किस में होता है, जीपी में होता है। ठीक, अब वीडियो पॉज करके इसको आराम से लिख लीजिए। स्पायरल के बारे में हमने आपको सारा पॉइंट्स बता दिए हैं, इसके बाद है कि जो आर्कमिडियन स्पायरल है इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, लॉगरिथमिक स्पायरल है इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आर्कमिडियन स्पायरल के बीच होगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सब आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और मेरा वीडियो आप लोग डाउनलोड मत किया कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए ठीक है जो भी है, लेकिन हमारा जो इसको ऑनलाइन देखा कीजिए, जिससे हमारा व्यू और चैनल का जो सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा ये हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट्स होगा, बिकॉज हर आदमी क्यों चाहता है कि हम आपको कुछ दे रहे हैं उसके बदले हमें ऐसी हम चाहते हैं अपना पॉपुलैरिटी या समझिए जो भी हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको वीडियो के देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, जिसको बिकॉज अब अभी कोरोना वायरस की वजह से ऐसे ही बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, नॉलेज सब लोगों को होना चाहिए। चलिए, थैंक यू।